मॉर्निंग दोस्तों, आज मीट द यूसीडी का पहला दिन। मीट द यूसीडी एक स्पेशल प्रोग्राम, मीट द यूसीडी की स्पेशल प्रोग्राम जहां पर हम हमारे इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर स्टीम रिमाइंड के इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर से हमें सीखने का मौका मिलेगा, उनकी अनुभव से को जानने का मौका मिलेगा। ये प्रोग्राम हम अभी नया एक प्रोसेस इवेंट है जो कि हम शुरू कर रहे हैं वेबिनार के माध्यम से। इसे हफ्ते में 3 दिन किया जाएगा, हर सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को रात को 9:30 बजे, और हर दिन एक इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर आएंगे और हमें कुछ सिखा के जाएंगे। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप सभी को मेरी आवाज आ रहा है। अगर आप सबको मेरी आवाज आ रहा है तो कृपया अपनी हैंड रेज करें, और क्या मुझे देख पा रहे हैं तो कृपया अपनी हैंड रेज करें। ओके, तो सबको आवाज भी आ रहा है, देख भी पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। यस, आज आप लोग लकी है कि आज आप पहला मीट द यूसीडी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। और आज हमारे पीस ओके मिस्टर सौम्यजीत प्रधान बोल रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा है। अगर आपको वीडियो आ रहा है, मुझे देख पा रहे हैं तो थोड़ा लिख लीजिए कोई यस बोल के, तो मुझे मैसेज आ जाएगा। अगर मुझे देख पा रहे तो यस अभी आ गया। ओके ठीक है, यस तो थैंक यू, यानी सबको वीडियो भी आ रहा है। तो चलिए आज की मीट द यूसीडी प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मीट द यूसीडी यानी एक इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर से मिलने का, उनसे कुछ सीखने का मौका। और अब जो इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर आ रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। इनसे मैं मिला आज से करीबन 10 साल पहले, 11 साल पहले जब मैं उनसे मिला। उस समय वो इंश्योरेंस के फील्ड में काम कर रहे थे, और वो पहली बार आए थे अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को समझने के लिए, और उनके परिवार को ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से उन्होंने भी डिसीजन लिया इस बिजनेस को जुड़ने के लिए। और शुरुआत में अपने इंश्योरेंस काम के साथ उसे पार्ट टाइम तरीके से करते गए, लेकिन इस बिजनेस को पावर को वो धीरे धीरे समझे और इसमें सीखने लगे, मेरे साथ काम करने लगे। कुछ दिनों के अंदर इस बिजनेस को उन्होंने फुल टाइम करियर लिए। आज इस बिजनेस के माध्यम से बहुत विदेश कंट्री जाके आ चुके हैं, साथ 2 या 3 कार ले चुके हैं। उनके मुंह से सुनेंगे कौन से कार, अभी एक बहुत बड़ी लंबी कार वो लिए हैं। इसके साथ साथ अभी अपना घर भी बना रहे हैं, और बहुत कुछ अचीवमेंट उन्होंने किए हैं, तो ये सब उनके मुंह से सुनेंगे। तो ये शख्स है छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, आप सबको पता है उनके नाम, और रेडी क्वेश्चन में बोल चुके हैं, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर मिस्टर राजेश गुप्ता जी को। राजेश गुप्ता जी आ जाइए सबके सामने अपनी वीडियो ऑन करके। हाँ गुप्ता जी, आपका वीडियो दिख नहीं रहा है, उसको बंद करके और एक बार ऑन कर लीजिए। गुप्ता जी और एक बार उसे बंद करके ऑन करिए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे बताने बाकी को दिख रहा है या नहीं। बस वीडियो क्या होगा दोबारा ऑन कर दीजिए। ओके हाँ गुड, आ गया आप सबके सामने। ओके गुप्ता जी सर गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मीट द यूसीडी प्रोग्राम। सर गुड मॉर्निंग सर जी। गुप्ता जी अभी हमारे बहुत से साथी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं वेबिनार में, और ये आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप सफल हुए और आप उनको क्या सफलता की टिप्स देंगे। तो आप ये प्रोग्राम वेबिनार आपका है, आप शुरू करिए अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और सारे आपको सुन रहे हैं। ओके गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम है राजेश गुप्ता, मूलतः मैं छत्तीसगढ़ से हूं, और आज वेस्टिज में इन्वर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूं। और इस
बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था 2010 को। 2010 को हमने जब इसकी शुरुआत की थी तो मैंने पार्ट टाइम पे इसको चालू किया, क्योंकि मैं उस समय इंश्योरेंस सेक्टर पे था और इंश्योरेंस का काम को करते हुए फिर मैंने वेस्टेज की काम को हमने शुरुआत किए। दोस्तों बहुत चीजें हैं जो हमने इसमें सीखा है, बहुत सारे मेरे साथ में लोग आए, बहुत सारे जो लोग हैं मेरे साथ पे आए, मुझे सहयोग भी किए, सपोर्ट भी किए। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज मेरे साथ वेस्टेज में हैं, कुछ लोग नहीं है, क्योंकि किसी को समझ पे आया नहीं तो वो है नहीं। और जिनको अगर वेस्टेज के बारे में समझ में आया, इस बिजनेस के बारे में समझ में आया, वो मेरे साथ में है और आज अच्छे इनकम पे है, अच्छे लेवल पे है। तो मैंने जो कुछ सीखा है, क्योंकि वेस्टेज जो है सीखने का ही बिजनेस है। अगर मैं बात करूं मल्टी लेवल मार्केटिंग की, अगर मैं बात करूं वेस्टेज की, अगर मैं बात करूं तो ये जिंदगी भर सीखने का बिजनेस होता है। आज भी मैं सीखता हूं, आज भी मेरे गुरु आते हैं, उनसे मैं सीखता हूं, जहां भी मुझे सीखने का मौका मिलता है वो मैं सीखता हूं। कभी मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज को छोड़ा होगा। अगर मैं बताऊं आपको, एक बात बताना चाहूंगा, मैं जब इंश्योरेंस के सेक्टर पे था तो उस समय अगर मैं वेस्टेज की मीटिंग होती थी तो अपने काम को छोड़ के मैं पहला काम होता था वेस्टेज की ट्रेनिंग अटेंड करना। एक भी ट्रेनिंग मीटिंग में मिस नहीं किया, हर ट्रेनिंग मीटिंग में कोशिश किया है कि मैं अटेंड हूं, वहां पे अपने लोगों को अटेंड कराऊं वहां पे, और बिजनेस को आगे लेके जाऊं। सीरियस था, मुझे मालूम था मुझे जाना कहाँ है। एक्चुअल अगर आपको पता होगा कि जाना कहाँ है, कहाँ तक आपको जाना है, क्या करना है आपको, तो 100% आपको वो चीज यहाँ पे मिलेगा। एक ही चीज को आपको ध्यान में रखना है कि करते चले जाना है, सिर्फ एक डिसीजन आपको लेनी है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्यों है। अगर क्यों आपको पता होगा तो 100% आप यहाँ पे सफल होंगे, अगर क्यों पता नहीं होगा तो यहाँ से आप कुछ नहीं पा सकते। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि अगर हमने वेस्टेज ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो हमें अभी सीखते हुए आगे चलते चले जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ आधे घंटे का समय मिला है। अगर मैं आपको कुछ बता सकूं, कुछ समझा सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं सीखा हूँ, जो मैंने नॉलेज यहाँ से लिया है, मैं वो आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम कुछ छोटा सा चीज सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी आज सीख रहा हूँ और आप भी आज सीखिए मेरे साथ में। अगर हम बात करें यहाँ पे सक्सेस की, अगर हम बात करते हैं, सक्सेस होने की बात करते हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर आपको सक्सेस होना है, ठीक है, तो सक्सेस होने के लिए बहुत सारे पिलर होते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सक्सेस के लिए, अगर मैं बात करता हूँ तो आज मैं पेंटागॉन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये पेंटागॉन, अगर मैं बात करता हूं तो सक्सेस के पांच पिलर, पांच कोड, अगर हम इसे बात करें तो पांच कोड, पांच पिलर यानी पांच कोड। ठीक है, कहीं भी अगर हमें सक्सेस होना है, अगर ये पिलर हमारे अच्छे हैं, ये पिलर हमारे बहुत अच्छे हैं, तो 100% हम वहां पहुंच सकते हैं, अचीवर बन सकते हैं और वो चीज जो चाह रहे हैं उसको हम जीत सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, तो पिलर बहुत जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं, अगर एक घर भी अगर आप बना रहे हैं तो बिना पिलर के वो घर भी सक्सेस नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा, उसके लिए भी पिलर की आवश्यकता पड़ती है। अगर परिवार की मैं बात करूं तो परिवार में भी लोग पिलर होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, पिताजी, माँ, भाई बहन, ये सारे पिलर हैं, ये सारे लोगों से हमारी कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी हुई है। सेम अगर मैं बात करूं वेस्टेज में, बात करूं सफल होने के लिए, तो पांच पिलर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसके बिना जीत मुश्किल है, जीत पाना मुश्किल है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पे पांच पिलर पे ही काम करना है। पेंटागॉन अगर हम बात करें, पांच कोड की बात करें, तो यहाँ पे हमें बात करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें सक्सेस होने के लिए पेंटागॉन बहुत जरूरी है। इस पे अगर हम आज बात करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पांच रूल सक्सेस के, पांच रूल, अगर सफल होना है हमें या हमें किसी को सफल करना है, तो पांच रूल बहुत जरूरी होता है अपनाना, पांच रूल। अगर इस पांच रूल को अगर हम अपना लें, पांच पिलर को अपने अंदर ले आए,
पांच पिलर को अगर हमें डाउनलाइन को सिखा दें तो 100% हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां हम पहुंच जाएंगे। ओके, और यही चीज है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पांच रूल पे काम नहीं करते, पांच रूल पे काम नहीं करते, पांच कोड पे काम नहीं करते। यही कारण होता है कि उनके कोई ना कोई पिलर कमजोर पड़ जाता है, जिससे बिजनेस आगे ग्रोथ नहीं होती, बिजनेस आगे बढ़ नहीं पाता। ठीक है, अगर ये पांच पिलर पे हम काम करना चालू कर दें, विश्वास मानिए कि हम 100% जहां जाना चाह रहे हैं, जो पाना चाह रहे हैं, वो सारा चीज आपको मिलेगा। सफलता उन्हीं को मिलती है सर, हमारे अगर हम बात करें, सफलता उन्हीं को मिलती है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। मिस्टर गौतम बाली जी हमेशा बोलते हैं इन चीजों को, और मैं भी यही चीज बोलता हूं कि सफलता सचमुच उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्त, अगर हम वेस्टिज पे ज्वाइन किए हैं, वेस्टिज पे बहुत आगे जाना चाहते हैं, वेस्टिज पे एक नाम बनाना चाहते हैं, एक फेम बनाना चाहते हैं, तो हमें शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल की। ठीक है, और 100% ये मान के चलेंगे कि ये सारी तैयारी जो आप कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। पीछे हटना नहीं है। अगर पेनफुल दर्द है आपके पास, पेनफुल अगर प्रेम है, तो 100% मिलेगा। सिर्फ करते जाइए, करते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे और आपको वो सारी चीज मिलते जाएगा। तो अगर मैं पांच रूल की बात करूं, सक्सेस होने की मैं बात करूं, तो पहला जो हमारा होता है, अगर हम बात करें, तो होता नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर मैं बात करूं किसी भी सेक्टर पे, अगर हमारा नॉलेज अच्छा है तो उस सेक्टर पे हम फतह हासिल कर सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं, अगर मुझे एक साइकिल चलानी है, तो साइकिल चलाने के लिए हमें ज्ञान बहुत जरूरी है कि साइकिल का ब्रेक कैसा लगता है, साइकिल पे पैडल कैसे लगता है, उस पर कैसे बैठा जाता है, तो कैसे पैडल को मारा जाता है। जब तक इस चीज की ज्ञान नहीं होगी, साइकिल पास पे रहते हुए भी हम साइकिल नहीं चला पाएंगे। अगर मैं बात करूं उदाहरण के रूप में, अगर आपको एक घर बनाना है, अगर आपको घर बनाने की नॉलेज नहीं है दोस्त, तो शायद आपका घर सही बन नहीं पाए। सेम है कि वेस्टिज में अगर सफल होना है तो पहला काम होता है ज्ञान, बहुत जरूरी होता है ज्ञान। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरा होता है एटीट्यूड, नजरिया। नजरिया बहुत जरूरी होता है, अनुभव और सोचने की नजरिया। यहाँ पे नजरिया जो होता है एटीट्यूड का, इस पे हम भी चर्चा करेंगे। ये भी वेस्टिज के लिए, अगर हम बात करें जिस भी सेक्टर पे अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप वेस्टिज पे जो काम कर रहे हैं उस पे एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है। तीसरा, अगर हम बात करते स्किल, ठीक है, कौशलता, कुशलता, अगर हम बात करें यहाँ पे कुशलता पे, अगर स्किल पे बात करते हैं, कौशलता पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्किल तो बहुत सारे स्किल होते हैं, ये सारी स्किलों पे भी हमें ज्ञान रखनी पड़ेगी। अगर इसकी नॉलेज नहीं रखेंगे तो हम यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। कि ये सारी चीजें क्या है, ये हमें बहुत ही जरूरी है स्किल पे। किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने की जो योग्यता होती, योग्यता को जो बढ़ाता है वो होता है स्किल। किसी भी काम, कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से करने की जो काम होती है, यही कहलाती है हमारी स्किल, जो हमारी योग्यता को बढ़ा के रखता है। आगे हम बात करते हैबिट। हमारी बहुत सारी आदतें होती हैं, जो हमारी आदतें अच्छी आदतें होती हैं, बुरे आदतें होती हैं, तो ये बहुत मायने रखता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, कि हमें आदत अपनी कैसे बना के रखनी है। इस पे भी हम आगे बात करेंगे, हैबिट पे। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें स्ट्रेटजी, मतलब कार्य नीति या फिर रणनीति, कार्य को अच्छे तरीके से करने की एक रणनीति जो होती है, रणनीति कह लीजिए या इसको कार्य नीति कह लीजिए, रणनीति। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपनी रणनीति यानी कार्य नीति तो आपको बनानी होगी। अगर आपने ये पांचों पे, ये पांच पिलर पे अगर आप काम कर लिए, ये काम आपने अपने डाउनलाइन को आपने ये पांच रूल बता दिया सक्सेस का, 100% वो व्यक्ति सक्सेस ही होगा, कहीं रुकेगा नहीं। ठीक है, यही पांच चीजें हैं। इन पांच चीजों से ही आज यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं।
1 लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, यही सारी चीजें हैं। यही चीजें हैं जो अपने अंदर आपने 5 रूल को डाला, ये 5 पिलर को आपने लाया, 5 कोड के हिसाब से आपने काम करना चालू किया और आपके पास में आपकी दौलत, आपके ड्रीम सारे पूरे होने चालू होते हैं। ओके, ये सिर्फ 5 ही रूल है। अगर हम इस पे अगर हम बात करते हैं, पहला रूल अगर हम बात करें, पहला रूल नॉलेज का, नॉलेज हर व्यक्ति का, हर फील्ड के खिलाड़ी होते हैं, हर खिलाड़ी होते हैं, हर जगह के खिलाड़ी होते हैं, बशर्ते उनको नॉलेज तो लेना पड़ेगा, जीरो बन के सीखना तो पड़ेगा, अपने आप को खाली तो करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस सेक्टर पे हैं उस सेक्टर पे हम माहिर हैं, योग्यता अच्छी है हमारी, सब कुछ अच्छा है। अगर मैं बात करूं, जब मैं इंश्योरेंस का काम करता था, जनरल इंश्योरेंस में था मैं, तो जनरल इंश्योरेंस का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज था, बेहतर ढंग से मैं बिजनेस कर पा रहा था, बेहतर ढंग से उसको मैं डील कर पा रहा था, लोगों को डील कर पा रहा था। कारण यह था कि मुझे अनुभव था। अगर मेरे साथ उस समय आप अगर इंश्योरेंस का काम को मेरे बारे में बताता तो शायद आपको अनुभव नहीं होता और आप अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते। सेम वेस्टिज में अगर आप सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको अपना दिमाग जो भी है उसको खाली करके सारी नॉलेज रखनी पड़ेगी, जानकारी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉलेज, अपनी जो भी नॉलेज है उसके साथ साथ में आपको वेस्टिज के बारे में पूरी नॉलेज को रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, जिसको अगर हम बात करें उसको बोला जाता है ज्ञान। निश्चित सफलता के लिए हम जो भी कर रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान का होना अति आवश्यक है, जो मैंने पहले बताया। ज्ञान के बगैर पूर्ण सफलता मिलना संभव ही नहीं है। अगर आपको आसमान छूना है तो वहां तक जाने तक के लिए आपको ज्ञान चाहिए। अगर आपको रायपुर से कलकत्ता तक जाना है तो वहां आने जाने तक का सारा ज्ञान चाहिए, कैसे आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, बगैर ज्ञान के सफलता मिलना संभव ही नहीं है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे ज्ञान तो लेनी पड़ेगी, आपको नॉलेज तो रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छा फार्मूला होता है हमारा जो एकदम ग्रोइंग नॉलेज, मतलब फार्मूला ऑफ ग्रोइंग नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो DIKW, बहुत बेहतरीन। क्योंकि इसको हमने शुरू से सुनते आए, हमारे अपलाइन से हम सुनते थे, जहां भी हम ट्रेनिंग में जाते थे, बड़े बड़े ट्रेनिंग लोग देने जाते थे तो बोलते थे कि आपने आज जो ट्रेनिंग लिया, आज जो आपने नॉलेज लिया कि आपने DIKW बनाया। हम शुरू शुरू ज्वाइन किए थे, हमें पता नहीं था कि DIKW है क्या, एक्चुअल में इससे क्या हो सकता है। बोलते थे आप मिस कर जाओगे, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो भी आपका DIKW होनी चाहिए, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो भी आपकी DIKW होनी चाहिए, अगर आपने ऑनलाइन मीटिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो भी आपका DIKW होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता था DIKW है क्या। एक्चुअल बाद में जब मुझे समझ में आया कि DIKW है एक्चुअल में, अगर हमें सफल होना है तो DIKW तो होना ही चाहिए। जिसमें अगर हम बात करें तो पहला जो आता है डी, मतलब डेटा। डेटा किसका? जब हम कोई भी चीज देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है डेटा, जिसको हम बोलते हैं डाटा। ठीक है, डेटा। अगर हम बात करें कि कोई भी चीज हम देखे या हम उसको सुने या उसे हम पढ़े, ठीक है, तो जो भी चीज हमें मिला वहां से वो हमारा कहलाता है डाटा। मतलब डेटा से हमें क्या मिला? डाटा मिला। ठीक है, ये मतलब डी मतलब डेटा, और आई का मतलब होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम उसे लिख लेते हैं तो वह जानकारी बन जाती है, मतलब वो हमारे लिए क्या बन जाती है? जानकारी मिल जाती है। जिस चीज को हमने देखा, जिस चीज को हमने सुना, ठीक है, और जहां पे हम बैठ के उस चीज को हम सुनते रहे, उसको जैसी हमने उसकी नॉलेज लिया तो वो क्या हो जाता है? हमारी जानकारी बन जाती है, वो हमारे लिए जानकारी का काम करता है। और उसके बाद W अगर हम देखें तो वर्क, अपनी जानकारी को कार्य में परिवर्तित, जैसी हम करते हैं उसको कार्य में, जैसे हमने जो चीज देखा और देखने के बाद में उसकी जानकारी रखी और जानकारी रखने के बाद में उसके लिए हमने वर्क करना चालू किया, ठीक है, तो वो हो गया हमारा W, मतलब वर्क। और तीसरा हमारा जो होता है, चौथा जो हमारा होता है वो होता है नॉलेज।
मतलब जब इस चीज को जब हम करना चालू करते हैं, जब यह प्रक्रिया को बार 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 जब दोहराना चालू करते हैं तो क्या होता है, ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है और आपको उस कार्य में निपुणता आ जाती है। मतलब जब उस चीज को जब आप बार बार करना चालू करेंगे तो वो जो जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें निपुणता हासिल हो जाएगी, मतलब परिपक्वता हो जाएगा, आपको बेहतर नॉलेज आना चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें DIKW, अगर हम बात करें आज की रिमाल्टी से गो टू वेबिनार, गो टू मीटिंग कंटिन्यू हो रहा है, अगर इन चीजों को अगर आप ले रहे हैं और एक छोटी सी 2 पेज या 3 पेज की अगर आपने DIKW नहीं बनाया तो आपके लिए कोई काम का नहीं होगा ट्रेनिंग मीटिंग लेने का या देने का। मतलब आज आपने जो ट्रेनिंग दी उसमें आपको क्या ज्ञान हुआ, अगर आपने आज ट्रेनिंग ली सीखा कहीं से तो उससे क्या प्राप्त हुआ, अगर उसका नॉलेज जो आपने लिए है उसको DIKW पे आपको उतारना होगा। मतलब डेटा, फिर इंफॉर्मेशन, वर्क और नॉलेज, ठीक है। मतलब जो चीज आपने लिया उस चीज को आपको क्या करना होगा, बार बार दोहरानी होगी, बार बार उस काम को करना होगा। जब आप बार बार उस काम को करना चालू करेंगे तो उसमें निपुणता आ जाएगी, आप परिपक्वता आ जाएगी आप में, आप बेहतर एक लीडर पे जा पाएंगे, एक बेहतर आप वहां पे उन चीजों को शेयर कर पाएंगे, बेहतर आप बता पाएंगे, ओके। तो ये हमारा क्या होता है, नॉलेज पे अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा ग्रोइंग, मतलब आप बहुत अच्छे इसमें इस चीज को अगर आप बनाना चालू करें, मैं सारे लोगों को बोलना चाहूंगा, टीम डीमार्टी के जितने लोग हैं इन सारे लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, सुशांत सर का कार्यक्रम हो रहा है, संजू सर का कार्यक्रम हो रहा है, मौसमी का कार्यक्रम हो रहा है, जितने भी लीडरों के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग मीटिंग हो रहा है, उसकी आपके पास में एक DIKW की एक डायरी होनी चाहिए जिसमें सारा चीज डेट वाइज लिखा होना चाहिए कि इन व्यक्ति ने अमुक तारीख को ये नॉलेज दिया और ये नॉलेज को मैं अपनी टीम पे करूंगा, अगर मैं इस लेवल पे रहूंगा ये ज्ञान दूंगा, अगर मैं ये चीज अभी मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं तो प्रोडक्ट के बारे में बेहतर ऐसे ढंग से मैं बताऊंगा। जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपकी DIKW कंप्लीट नहीं होगा। ये नॉलेज हमारी टीम रिमाल्टी में सारे लीडरों के पास में होनी चाहिए। दोस्तों DIKW जब हम पूरी जाया करते थे, भुवनेश्वर जाया करते थे, रात को 2-2, 3-3 बज जाया करता, कभी कोई 4 बज जाता था DIKW बनाने में, कि आज हमने दिन भर जो चीज किए हैं उसकी सारी DIKW बनाया करते थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर घर पे बैठ के जूम मीटिंग, गो टू वेबिनार, गो टू मीटिंग में अगर आप रोज बैठ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको नॉलेज कैसे रखेंगे, 24 घंटे के बाद आपके माइंड से उतर जाएगा। सिद्धार्थ सर अक्सर बोलते हैं कि अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो आपके पॉकेट में एक छोटा सा पेन और एक छोटी सी डायरी हमेशा होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल को लेके बैठ रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं और आपके पास में पेन और डायरी नहीं है दोस्त, तो आपकी DIKW बन नहीं पाएगा और आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, कौन लीडर है, क्या आपको जानकारी दे दे, कब कौन सा नॉलेज आपको दे दे जो आपके लिए, आपकी टीम के लिए और आपके आने वाले ड्रीम के लिए पूरा हो सकता है, ये सारी चीजों का आपके पास में DIKW होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो हम जिस कंपनी में हैं, जिस कंपनी का नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे हमारे पास में प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्टों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब मैंने शुरू किया था बिजनेस को तो उस समय कम प्रोडक्ट हुआ करते थे, बस अपने दोस्त जब मैं जाया करता था तो कहीं कहीं पे शुरुआत जब मैंने किया था तो प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण वहां से या वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता था या प्रोडक्ट के ऑर्डर नहीं आया करते थे। ये सारी चीज मुझे पता चला कि मुझे लगता है कि प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज लेना होगा। उस समय CNT हुआ करता था, आज भी CNT होता है, और CNT में बैठ के मैं डायरी पेन लेके बैठा करता था या फिर हमारे जो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है उस लॉन्चिंग को मैंने छोड़ा करता था, ओके। तो हमें प्रोडक्ट का ज्ञान बहुत जरूरी है अगर आपको सफल होना है तो। वेस्टिज के पास में जितने भी प्रोडक्ट हैं इन प्रोडक्टों का ज्ञान बहुत ही जरूरी है, इनकी ज्ञान हमें लेनी ही पड़ेगी, नॉलेज रखना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ में मार्केटिंग प्लान। क्योंकि दोस्त जिस जगह पे हम काम करते हैं वहां बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं
जिनके अलग अलग प्लान होते हैं, दो पैर वाले प्लान होते हैं, सिंगल प्लान वाले सिंगल पैर वाले प्लान होते हैं, साप्ताहिक पे आउट होता है, 15 दिन की पे आउट होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। मगर आपको मार्केटिंग प्लान पे तो ज्ञान रखनी पड़ेगी, नॉलेज रखना पड़ेगा कि दूसरी कंपनी से बेहतर मेरा प्लान क्यों। अगर कोई व्यक्ति कुछ पूछता है तो उसे हम तुरंत जवाब दे सके, आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, परफॉर्मेंस बोनस क्लियर होना चाहिए, डायरेक्टर बोनस क्लियर होनी चाहिए, इसके साथ साथ में हेलो भी कैसे आता है ये क्लियर होना चाहिए, ट्रेवल फंड कब आता है ये क्लियर होना चाहिए, कार फंड कब आता है ये क्लियर होनी चाहिए, ये सारी नॉलेज आपको रखनी होगी। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप अपने अपलाइन को पकड़िए, उनसे पूछिए कि मार्केटिंग प्लान कैसा हमारा है, ये नॉलेज मार्केटिंग प्लान वेस्टिज का मार्केटिंग प्लान हमें रखना तो पड़ेगा। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं कंपनी और मैनेजमेंट, ये नॉलेज कंपनी कब शुरुआत हुई, कितने प्रोडक्टों के साथ में शुरुआत हुई, आज हमारी कंपनी कहां कहां पे है, हमारे जो मैनेजमेंट है ये कितने साल का अनुभव इनको और रहा और भी कंपनियों में काम करने का, अभी वर्तमान में ये क्या क्या और करने वाले हैं, ओके, हम कहां पे थे, आज कहां पे हम पहुंच चुके हैं, आने वाले समय में हम कहां जाने वाले हैं, ये नॉलेज तो हमें रखनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी की नॉलेज रखते हैं, जैसे हम अपने परिवार की नॉलेज रखते हैं कि हमारे घर पे इतने सदस्य हैं, ठीक है, और हमारे घर पे जो लोग हैं ये क्या क्या करते हैं, सेम हमारे वेस्टेज के बारे में आपको यहाँ पे कंपनी और मैनेजमेंट की ज्ञान रखनी पड़ेगी, नॉलेज रखनी पड़ेगी दोस्त, ओके। इसके साथ साथ में लिस्टिंग, लिस्ट बनाने का ज्ञान, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जब मैंने शुरुआत किया था तो एक ही चीज होता था, जो भी ट्रेनिंग मीटिंग में करता था वहां पे कम से कम कार्यक्रम खत्म होने के बाद बैठ के कम 50 से 100 लोगों को लिस्ट बनाने का अलग से ट्रेनिंग दी जाती थी, ओके। और एक चीज बोलूं कि हमारे पास में एक एंड्रॉइड मोबाइल है जिसमें लगभग 500 से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर है, विश्वास मत करिए मोबाइल पे, इस मोबाइल पे जो आपके नंबर हैं उन नंबरों को आप अपनी डायरी पे उतारिए, ओके। लिस्टिंग बहुत बड़ी चाहिए आपको, अगर आपको सफल होना है, 6 आदमी को सफल बनाना है तो कम से कम नहीं तो 1000 से 1500 कॉन्टेक्ट चाहिए आपको, ओके। तो यहाँ पे लिस्टिंग बहुत जरूरी है, लिस्ट प्री जज नहीं करना है आपको, लिस्ट बनाना ना लिस्ट बनाना है, जैसे हम अपने घरों पे रहते हैं, घरों पे कोई पार्टी है, बर्थडे है, कुछ शादी है, तो जैसे हम लिस्ट बनाते हैं जिसको हम छोड़ते नहीं है, वैसे ही आपको यहाँ पे लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। और फ्रेंड्स फॉर्मूले पे बहुत अच्छा लिस्ट बनता है, ठीक है, तो लिस्टिंग बहुत जरूरी है, लिस्ट बनाना। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें देखें तो पर्सपेक्टिव भी बहुत जरूरी है, लिस्ट तो बन गई, इस पे हमें देखना है कि ऐसे कैसे लोगों के साथ में हम बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। मेन फॉर्मूले पे बहुत अच्छा निकलता है, मेन फॉर्मूले पे अगर आप बैठेंगे अपने अपलाइंट के साथ में तो बहुत अच्छे से होगा, ये नॉलेज हमें भी रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में बात करूं इनवाइटिंग, किसी को अगर आप आमंत्रित कर रहे हैं, कहीं बुला रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि उसे कैसे बुलाएं। आपको यहाँ पे कुछ ऐसे डायलॉग आपके पास में होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आपके पास डायलॉग नहीं होगा, एक ही डायलॉग से अगर आप सभी लोगों से बातचीत करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग लोग होते हैं, उनसे कैसी बात की जाती है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनवाइटिंग करना पड़ेगा, आमंत्रण करना पड़ेगा। तो दोस्त ये नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। मीटिंग यहाँ पे दो चीजें, अगर मैं बात करूं, अगर हम मीटिंग में कुछ लोगों को अगर इन्वाइट किए हैं तो हमें कम से कम 5 से 10 मिनट पहले पहुंचनी चाहिए। अगर हम खुद मीटिंग कर रहे हैं तो वहां पे हमें देखनी होगी कि वहां की हाल की व्यवस्था कैसी है, ओके। तो हमें कम से कम मीटिंग ट्रेनिंग ये करने भी आना चाहिए, ये सारा चीज। अगर हम बात करें मीटिंग में बात करें तो मीटिंग कोई बड़ी गैदरिंग की आवश्यकता नहीं है, हम 4-5-10 लोगों के साथ भी मीटिंग की तैयारी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा कि यस मैं मीटिंग कर सकता हूँ, यस मैं अपने अपलाइन के लिए मीटिंग की व्यवस्था करा सकता हूँ, ओके। तो ये बहुत जरूरी होती है इसकी नॉलेज, मीटिंग कैसे ली जाती है, मीटिंग कैसी कराई जाती है, मीटिंग में क्या क्या व्यवस्था करना पड़ता है, मीटिंग कितना मिनट पहले पहुंचना, ये सारी चीज के यहाँ पे आपको मीटिंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो फॉलोअप और क्लोजिंग, बहुत महत्वपूर्ण फॉलोअप का, क्लोजिंग का,
क्योंकि यही समय होता है जब हम व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन करा के फॉलो अप करते हैं, सारा चीज करने के बाद क्लोज करते हैं। मतलब आपने एक बुक खोली, बुक खोल के सारी नॉलेज दी, उसके बाद में बुक को आपने पैक किया। तो ये क्लोजिंग का समय जो बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर ये दो चीज को सीख गए कि कैसे बताना है और कैसे अंत करना है, बीच पे क्या बताना है, अगर ये हम कर लिए तो 100% हम नॉलेज जो लिए हैं ये नॉलेज अपने डाउनलाइन को भी दे पाएंगे। क्योंकि ये लास्ट बात होता है क्लोजिंग का, मतलब हम क्लोज करते रहते हैं बिजनेस को। वहां पे अगर हमने किसी को ज्वाइन कराया तो उसको हम चाहे तो हम उसको यूजर के रूप में ला रहे हैं या फिर हम अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में ला रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो होता ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर हमने क्लोज कर रहे हैं, वहां पे फॉलो अप कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो वहां पे आते ऑब्जेक्शन, और वो हैंडलिंग करना बहुत जरूरी। 8-10 से ज्यादा ऑब्जेक्शन आते नहीं, प्रोडक्ट मांगे हैं, मैं कल सोच के बताऊंगा, मेरी आपकी भाभी नहीं है घर पे, वो भाभी रहेगी तो फिर बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। तो उसे हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू प्लान शो कर रहे हैं, कंटिन्यू लोगों से मिल रहे हैं, कंटिन्यू बातचीत कर रहे हैं, तो 10 से ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। और उस ऑब्जेक्शन पे आपको पता चल जाएगा कि अगर इसने ऑब्जेक्शन किया तो इसको हैंडलिंग कैसे करना, मुझे क्या बोलना चाहिए था। 1-2 आपके पास होंगे, 8-10 ऑब्जेक्शन आएंगे, मगर आप जब सोचेंगे कि ऐसा हुआ, आपने अपलाइन से पूछिए या कहीं जा रहे हैं तो बताइए कि मैं इनके पास जा रहा हूं, या ऐसा व्यक्ति है तो वो बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा ऑब्जेक्शन आ सकता, तो पहले से तैयारी करके जाइए, ये हो सकता। 8-10-15 प्लान, 20 प्लान, अधिकतर 20 प्लान शो करते करते ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टोटल आना चालू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 1-2 हमने कहीं प्लान शो किया और एक आध भी ऑब्जेक्शन आया, और ऑब्जेक्शन आते ही हम क्या करते हैं, वेस्टेज को क्विट कर देते हैं या फिर इसको बहुत कठिन समझना चालू करते हैं। मुझे बताइए, जब आप किसी दुकान पे गए होंगे, कपड़े की दुकान पे, क्या वहां पे फर्स्ट टाइम ही वहां पे आपने कपड़ा परचेस किया होगा? ओके, आपने ऑब्जेक्शन किया होगा कि कपड़े महंगे हैं, कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर मैं कुछ और लेना चाह रहा हूं, मैं दूसरी दुकान जा रहा हूं। ठीक है, तो आप कैसे समझ जाते हैं, कैसे सोचते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा और वो व्यक्ति हाँ बोल देगा? अरे आपने भी तो मार्केट पे जाके 10 बार आपने टमाटर को चेक किया होगा, 10 बार आपने सब्जी को चेक किया होगा, और जाके 10वें 11वें व्यक्ति के पास में रेट पूछे होंगे, क्वालिटी देखे होंगे, उसके बाद जाके परचेस किए होंगे। दोस्त यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएंगे, बसरते 8-10 से ज्यादा नहीं होता, कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू प्लान बताएंगे, कंटिन्यू मिलते जाएंगे, और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये बोलता है तो मुझे ये बोलना है। ओके, ये बहुत जरूरी है नॉलेज कराना। कस्टमर सर्विस, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो कस्टमर सर्विस बहुत जरूरी है। ओके, कस्टमर सर्विस की ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि अगर उसने इतने तारीख को ज्वाइन किया है तो ये प्रोडक्ट अगर उसने लिया होगा, ऑर्डर किया है, तो इतने तारीख तक अगर वो खाना चालू करेगा तो इतने तारीख तक स्पर्णा का डब्बा खत्म हो जाएगा, नोनी का डब्बा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको कैप्सूल की मात्रा पता होगा कि इसमें इतना कैप्सूल है, इसमें इतना कैप्सूल है, तो ये इतना दिन चलेगा। उससे 5 दिन पहले अगर आप उनको फोन करके आप ऑफर के बारे में बताते हैं कि आज बेहतरीन ऑफर आया हुआ है, इतना डिस्काउंट चल रहा है, इसमें ये गिफ्ट आए हुए हैं, और इसको अगर संजय जी आप इसको अगर आप लेते हैं तो आपको इतने का बेनिफिट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको पूछेंगे नहीं, बार बार उससे बातचीत नहीं करेंगे, एक बार आपने उनको दे दिया, दोबारा आपने उनसे मिले ही नहीं, तो आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस देनी है। कोई जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट का ही लेन देन करनी सर्विस वही कहलाता है, उससे बातचीत करना है, खा रहे नहीं खा रहे, खा रहे तो कैसा लग रहा है ये भी पूछना है, और अगला कौन सा प्रोडक्ट, अभी हमारे पास में नया प्रोडक्ट आया हुआ है इतने तारीख को, जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसका मैं वीडियो भेज रहा हूँ, इसको देखिए, अगर अच्छा लगता है तो इसको भी ऑर्डर करते हैं। ओके, ये सारी चीजें कस्टमर सर्विस बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर को सर्विस आपने दे दिए तो उसी से हो सकता है कुछ ऐसे लिस्ट निकल के आएंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि इस व्यक्ति से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये बहुत अच्छा सर्विस देता है, कुछ अच्छे लोगों का लिस्ट भी दे देगा, और वहां से हो सकता है कि आपके क्राउन डायमंड भी निकल के आ जाए। क्योंकि ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे कस्टमरों को मैं सर्विस दे रहा था और वहीं से कुछ लिस्ट निकले, और उसी लिस्ट से आज मैं देखूं तो वहां पे बहुत सारे डायरेक्ट
तो आपको सर्विस की ज्ञान होनी चाहिए कि कैसे सर्विस देनी है, ये नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डाउनलाइन सपोर्ट, डाउनलाइन को कैसे सपोर्ट किया जाता है, डाउनलाइन सपोर्ट सपोर्ट क्या चीज का सपोर्ट करना है, पैसे रुपए से सपोर्ट नहीं, क्या चाहते हैं वो हमसे कुछ प्लान जानना चाह रहे हैं या कुछ कुछ कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं, या फिर उनको नहीं आ रहा है, तो शुरुआत में हमें क्या करनी है, उनको डाउनलाइन को सपोर्ट करनी है कि आपको अगर प्लान शो करने नहीं आ रहा है तो 2 से 3 प्लान मैं करूंगा, उसके बाद में आप करेंगे, पहले से बता दीजिए, तो उससे क्या होगा, सपोर्ट का काम होगा, क्योंकि जैसे आप अपने डाउनलाइन के साथ करेंगे वैसे वो भी अपने डाउनलाइन के साथ में करेगा। तो डाउनलाइन सपोर्ट बहुत जरूरी है, सारी नॉलेज डाउनलाइन के पास में होनी चाहिए, सारा चीज होना चाहिए, डाउनलाइन के साथ कंटिन्यू बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं अपने आप से पूछें, आप लोग जितने लोग आज यहाँ पे ट्रेनिंग पे हैं बैठे हैं, अपने आप से पूछिए, यहाँ पे क्या पूछना है, क्या मुझे प्रोडक्ट का ज्ञान है, हाँ या ना, यस या नो, क्या मुझे वेस्टिज की मार्केटिंग प्लान का ज्ञान है, हाँ या ना, क्या मुझे कंपनी और मैनेजमेंट का ज्ञान है, नॉलेज है, यस या नो, क्या मुझे लिस्ट बनाना या लिस्टिंग करना आता है, हाँ या ना, क्या मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना आता है, इसका मुझे नॉलेज है, हाँ या ना, क्या मुझे मीटिंग ट्रेनिंग लेनी आती है, हाँ या ना। यहाँ पे दोस्त मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि अपने आप से पूछिए, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आपके अंदर में क्या चीजें हैं, क्या कमी है और क्या कमी नहीं है, ये आप अपने आप से ही पूछेंगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि सचमुच मुझे क्या नहीं आता। ये अपने आप से पूछिए आप, अगर हाँ तो उसे बढ़ावें, अपडेट करें, अगर नहीं है तो सीखने का प्रयास करें, अगर नहीं है तो सीखें। सीखेंगे कैसे, मीटिंग से सीखेंगे, अभी बेहतरीन मीटिंग हो रहा है, गो टू वेबिनार हो रहे हैं, गो टू मीटिंग हो रहा है, जूम मीटिंग हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अगर नहीं है तो आप देखिए टॉपिक पे, देखिए कौन सी टॉपिक आज है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, उस टॉपिक को भेजिए कि आज इस बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में या मार्केटिंग प्लान के बारे में ये नॉलेज इतने तारीख को इतने बजे देने वाले हैं, उसको आप शेयर करिए, ओके। तो ये नॉलेज का होना बहुत जरूरी है अगर हमें सफल लीडर, सफल करोड़पति बनना है, तो अगर नहीं तो ये सारी चीज का नॉलेज नहीं होगा तो हम फील्ड पे ये मान के चले कि अधूरे होंगे, और फील्ड पे अगर अधूरे होंगे तो हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, छोटा मोटा बिजनेस हमारा होता रहेगा, ठीक है। तो ये पहला काम हमारा नॉलेज, ठीक है, एटीट्यूड, नजरिया, नजरिया बहुत जरूरी है दोस्त, एटीट्यूड, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक यहां पे आप सीन देख रहे होंगे, एक बच्चा बैठा होगा, ये अपने आप को ये शो कर रहा है कि यस मैं यहां पे राजा हूं, राजाओं जैसा बैठा है, उसको एहसास हो रहा है, उस नजरिया, उसको देखने का, सोचने का नजरिया उसका ये है, वो भले जैसा भी बैठा हुआ है मगर उस समय वो सोच रहा है कि अभी जो मैं बैठा हूं मैं एक राजा हूं, यस, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को बेहतर समझिए, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करिए, क्या क्या है इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं क्या हूं उस पे ध्यान दीजिए कि मैं बेहतर क्या हूं, मैं क्या हो सकता हूं, ओके। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पॉकेट पे 500 का नोट नहीं है, 10 का ही नोट है, मगर आपके पास में एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरे पास में 10 का नोट नहीं, 500 का नोट है। अगर दोस्त ऐसा, अगर जिस दिन भी आप करना चालू कर देंगे नेटवर्क पे, जिस दिन भी करना चालू करेंगे, अपने आप पे करना चालू करेंगे, 100% मान के चलिए कि आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। चलिए हम इस पे बात करते हैं, दूसरा हमारा पास में एटीट्यूड, नजरिया, मैं कर सकता हूं का नजरिया रखें, सदैव सकारात्मक सोचें, सोच हमारा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास में अगर कोई आपके डाउनलाइन के बारे में बोल रहा है, अपलाइन के बारे में नकारात्मक बोल रहा है तो वहां पे बिल्कुल मत सुनिए, आपका सोच होना चाहिए सकारात्मक, निश्चित सफलता के लिए अपने काम को, चाहे अपने काम के प्रति गर्व का नजरिया रखें, आप जो भी काम करते हैं उसमें गर्वान्वित हो,
गर्व करें कि आज मैं जो काम कर रहा हूं बेहतर काम कर रहा हूं, दुनिया से बेस्ट काम कर रहा हूं, इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। समस्या हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती है। अक्सर हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आया और हम रुकना चालू करते हैं। दोस्त वो रुकने के लिए नहीं आती, वो बोलती है कि सीख 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 और सीख, ये जो समस्या क्यों आ रही, क्या कारण है इसका आने का। अगर इन चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी समस्या जो भी प्रॉब्लम हमारे पास में आ रहे हैं वो सिखाने के लिए आ रहे हैं, हमें सीखना तो पड़ेगा। और महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप में कितनी बुद्धि योग्यता है, आप वेस्टिज में आए हैं आप में कितनी बुद्धि है कितनी योग्यता है, ठीक है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी बुद्धि और योग्यता का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्त आपके पास में बुद्धि है, योग्यता तो है, सारा चीज है, मगर उसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात होती है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ओके, अक्सर हम इस बात पर काफी सोच विचार करते हैं कि हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है, वजह इसके कि हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है, हमारी कितने की टीम आ सकती है, हमारे नीचे कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, कितने सिल्वर हो सकते हैं, कितने डायमंड हो सकते हैं। हम ये सोचते हैं क्या बुरा हो रहा है। दोस्त हमें सोचना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, विचार अच्छी रखनी पड़ेगी, अच्छी अच्छी विचार रखेंगे तब जाके हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अच्छे विचार वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। ओके, ये चीजें रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम बात करें स्किल कौशलता की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, ओके, स्किल कौशलता, अगर हमारे पास में स्किल ही नहीं है, अगर हमारे पास एक गाड़ी आई, हमें नॉलेज है गियर वाली गाड़ी चलाने की, ओके, मगर हमारे पास एक ऐसी गाड़ी आई, लग्जरी गाड़ी आई जो गियर से नहीं चलती, सिर्फ आप उसके बटन को आगे पीछे करेंगे उससे ही चलती है, ओके, मगर हमें उसके बारे में कौशलता ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, तो हम कैसे उसको आगे ले जा पाएंगे। हम पुरानी पद्धति पे अगर करना चालू करेंगे दोस्त तो हम फेल हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी होती है स्किल, ठीक है। स्किल कौशलता अगर हम बात करें धीरे धीरे आती है, एकाएक नहीं आएगी, जब हम उसको सीखते जाएंगे, एक बार या फिर एक दिन में नहीं, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, प्रशिक्षण लेते रहेंगे, ट्रेनिंग लेते रहेंगे, ये सब करते जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे क्या होंगे, इसके अनिवार्य अंग हैं। इसके किसके अनिवार्य अंग हैं, कौशलता स्किल के, मतलब उसको हम कंटिन्यू धीरे 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 कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग जो लेना चालू करते हैं तो ये हमारी स्किल धीरे 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 डेवलप होता है, धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है, ठीक है। और दूसरी चीजें अगर हम बात करें, आप किसी कार्य को जितनी बार करेंगे उतना ही उस कार्य में कौशलता आती जाएगी। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टाइम आपने एक कुएं से पानी निकाला, फर्स्ट टाइम एक कुएं से पानी निकाला, आपको अनुभव था नहीं, ओके, मगर आपने रस्सी डाली और पानी निकाला, बसरते पानी तो आया, बसरते जैसे आना चाहिए था वैसा नहीं आया, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है। मगर उसको हम जब बार बार पानी निकालने की प्रयास करेंगे और बाल्टी पे रस्सी बांध के कुएं पे डालेंगे और बार बार ऊपर खींचेंगे, तो एक समय ऐसे आएगा कि उसमें हमें कौशलता आ जाएगी कि भरा हुआ पूरा बाल्टी का पानी ऊपर आ पाएगा। अगर उसमें कौशलता नहीं होगा, बार बार उस काम को हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भरा पानी लाना चाहते हैं उसमें आधा ही पानी आएगा, कारण ये कि हमें उसमें कौशलता नहीं है, कुशलता नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्किल कुशलता का, अगर मूल मंत्र अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपने कार्य को निरंतर बार बार करते रहना चाहिए। कोई भी अगर गलती हो गई, हमसे भी गलतियां हुई, कई बार हमने गलती किया, बहुत सारी चीजें गलती की, मगर उस गलती को लेके हमने नहीं बैठा, उसको हम सोल्यूशन पे ध्यान दिए और उसको हम सुधारने का प्रयास किए, बार 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 जब हम करना चालू किए तो सुधरते हुए चला गया, ठीक है। तो आपको सुधरते हुए आगे चलना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेलिंग स्किल, बेचने का कौशलता नहीं, सेल कैसे करना है, कैसे उससे बातचीत करनी जिससे ऑर्डर आ सके, यानी कि झोला पे लेके हम सेल कर, तो सेलिंग स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में झोले में लेके प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता। इसको सेल कैसे करेंगे आप, वो स्किल होनी चाहिए। क्या बात करेंगे फोन से, या कैसे कोई दोस्त आपको मिलता है उससे, कैसे इन प्रोडक्टों के बारे में जब आप बात करेंगे तो कैसे वहां से ऑर्डर निकलेगा, ये सेलिंग स्किल बहुत जरूरी है,
ठीक है, क्योंकि जब तक आप सेलिंग स्किल पे नहीं आएंगे तो ये स्किल आपकी आगे बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में स्पॉन्सरिंग, ज्वाइनिंग कराने का कला, मुझे बताइए इतने सारे लोगों को अगर हम बात करते हैं, वेस्टेज के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, बेहतर यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं, क्या सारे लोग ज्वाइन करते हैं? कुछ ऐसे लोग ही ज्वाइन करते हैं और कुछ ऐसे लोगों को हम ज्वाइन करा पाते हैं। कारण ये होता है कि ज्वाइन कराने की स्किल कहीं कम है या है ही नहीं है, तो अच्छे लोग भी आना तो चाह रहे हैं, बस अब तो वो आ नहीं पाते, ठीक है। तो ये स्किल भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रॉस्पेक्टिंग स्किल, ये बहुत जरूरी है, ये कला, ये बहुत बड़ा कला, ये कलाकारी होनी जरूर बहुत जरूरी होती है। प्रॉस्पेक्टिंग की कला अगर इसकी स्किल हमें आ जाए तो हम तो अच्छे अच्छे को वेस्टेज पे ला सकते हैं। इसके साथ में इनवाइटिंग स्किल, निमंत्रण की कला, ये भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल, प्रस्तुतिकरण, कैसे इन चीजों को आप बता रहे हैं, उसके साथ अगर आप बैठे हैं प्रस्तुति कैसे कर रहे हैं, कैसे आप उसको बता रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी होता है इस स्किल पे, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है प्रस्तुतिकरण का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिटी स्किल, अगर हम बात करें यहाँ पे इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करें शेयरिंग स्किल की, अगर बात करते हैं तो जो भी जानकारी आपको अगर मिलती है तो उसको कैसे शेयरिंग करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ फॉलो अप, क्लोजिंग स्किल, यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि फॉलो अप आप कैसे किए और क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं, क्लोजिंग की कला, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हमारी स्किल पे, ये स्किल होनी चाहिए, क्लोजिंग फॉलो अप करना, ये हमें आना चाहिए। टीम मैनेजमेंट स्किल, टीम को कैसे मैनेज करना है, ये टीम मैनेजमेंट की कला हमारे पास में होनी चाहिए, ये स्किल बहुत जरूरी है। डाउनलाइन, ठीक है, सपोर्ट स्किल, कि डाउनलाइन को कैसे सपोर्टिंग करना है, क्या क्या चीज से सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग मीटिंग करा सकते हैं, ठीक है, कैसे उनके लेवल को आगे हम ले जा सकते हैं, ये टीम मैनेजमेंट स्किल, टीम को कैसे मैनेज करना है, अगर इन चीज को अगर हम जान गए तो बेहतर ढंग से हम यहाँ पे हमारा ये स्किल बेहतर हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो मैंने बात करा था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कला, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है, बहुत बड़ी कला होती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपको आ गया तो दुनिया जीत सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई आपको क्राउन यूसीडी बनने में रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मेन काम होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि हैंडलिंग तो आएगी, ये बहुत बड़ी एक स्किल होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। कस्टमर सर्विस स्किल, ग्राहक सेवा की कला, ग्राहक को कैसे सर्विस देनी है, क्या करनी है, ये भी स्किल आनी चाहिए हमें, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं हमारी हैबिट, आदत की। अब सब में आदत होती है, गुड हैबिट होती है, बैड हैबिट होती है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ठीक है। और हम ईश्वर के बनाए हुए हैं और ये मान के चले कि हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा दोनों हैबिट होता है, ठीक है। बस अपने दोस्त यहाँ पे हैबिट बहुत महत्वपूर्ण रखता है वेस्टेज पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे, ठीक है, क्योंकि लोग आपको देख के ज्वाइन करते हैं, कंपनी को बात पे देखा जाता है, प्रोडक्ट को बात पे देखा जाता है, आपको देखा जाता है कि आप कैसे हैं, आपकी आदतें कैसी है, ओके। चलिए हम बात करते हैं हैबिट पे, ठीक है। अच्छी और बुरी आदतों की लिस्ट बनाएं या बुरी आदतों को बदलें। अगर आपके पास में कुछ अच्छी आदतें हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, वाह, बेस्ट, वेल डन, क्या बेहतरीन कि आपके अंदर पे ये अच्छी आदतें हैं। अगर बुरी आदतें हैं तो आप उसको सुधारने की कोशिश करिए कि वाह, मेरे अंदर ये बुरी आदत भी है, इस बुरी आदत को मैं बहुत जल्दी अच्छी आदत में परिवर्तन करूंगा। अगर जानकर हम अच्छी आदत नहीं डालेंगे तो जाने अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी दोस्त, जाने अनजाने में बुरी आदतें लग जाएंगी, होता है अक्सर। अगर अच्छी आदतें अगर हम डालते हैं तो अच्छी आदतें आएंगी, अगर बुरी आदत अगर हम डालना चालू करेंगे तो बुरी आदत आएंगी। आपने सोच के प्रति सावधान रहिए, आपके सोच में सही शब्द बनते हैं, अपने शब्दों के प्रति सावधान रहिए, आपके शब्द ही कार्य करते हैं,
आपके जितने अच्छे शब्द निकलेंगे वही शब्द कार्य करते हैं। अपने कार्यों के प्रति सावधान रहिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस पर सावधान रहिए। आपके कार्य से ही आदतें बनती है, जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य करते करते हमारी आदतें बन जाती है। अपने आदतों के प्रति सावधान रहिए, आपकी आदतों से ही आपका चरित्र बनता है। आप जैसे आदत डालेंगे वैसा ही आपका चरित्र बनेगा। अपने चरित्र के प्रति सावधान रहिए। किसके प्रति सावधान रहना है? चरित्र के प्रति, कि कल आपके चरित्र के प्रति कोई उंगली ना उठा सके। आपका चरित्र ही आपका निर्माण करेगा, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में है दोस्त, तो आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। अगर आपका चरित्र बहुत अच्छा है तो अच्छे अच्छे लोग आपसे मिलेंगे और आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। मेरी बातों को अगर आप समझे होंगे कि यहाँ पे कुछ मैं बात बोला था, जैसे अपनी सोच के प्रति सावधान रहिए, ओके, अपने शब्दों के प्रति सावधान रहिए, अपने कार्यों के प्रति सावधान रहिए, अपने आदतों के प्रति सावधान रहिए, अपने चरित्र के प्रति सावधान रहिए। दोस्त अगर इन सारी चीजों को अगर हम पकड़ के चले तो बेहतर हैबिट हमारे अंदर आ सकता है, अच्छा आदतें हमारे अंदर आ सकती है और हम बहुत अच्छे से यहाँ पे काम को आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से पुनः इसको दोहराता हूं मैं। अच्छी एवं बुरी आदतों की लिस्ट बनावे एवं बुरी आदतों को बदलें। अगर जानकर हमें अच्छी आदत नहीं डाली तो जाने अनजाने में बुरी आदतें हमारे लग जाएंगी। अगर बात करें अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, हर इंसान में अच्छी आदतें होती हैं और हर इंसान में बुरी आदतें होती हैं, मगर हमें समझना पड़ेगा। ऊंचा आत्मविश्वास, सकारात्मक नजरिया, पुस्तकें पढ़ना, अनुशासन पे रहना, हर काम समय पर करना और अपनी जिम्मेदारी लेना। कोई भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। ये हमारी क्या है? अच्छी आदतें। बुरी आदतें क्या है? अपने आप को कमजोर मानना, नकारात्मक नजरिया रखना, टीवी देखकर समय बर्बाद करना, टाइम मैनेजमेंट की कमी, टाल मटोल करना और दूसरों को दोषी ठहराना। हमें नहीं दोषी ठहराना, दूसरों को दोषी ठहराना, ओके? ये हमारी बुरी आदतें हैं दोस्त। तो जितना जल्दी हो सके, अगर इस फील्ड में बहुत ऊंचाइयों तक हमें जाना है तो बुरी आदतों से हमें दूर रहनी पड़ेगी, ओके? फिर यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेटजी, कार्य नीति या रणनीति की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप शतरंज खेलते हैं, शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर आपको रणनीति उस पर नहीं आएगा तो ये मान के चलिए कि आप मात खा जाएंगे, ओके? अगर आपने अपनी सही रूप से सारी चीजों को सही रूप से अगर आपने बैठाया है तो आपको पता होगा कि कौन कितना कदम चलेगा और कौन कितना कदम चलेगा और मैं विजयी कैसे होऊंगा। तो ये कार्य और रणनीति बहुत जरूरी होता है वेस्टिज पे। तो आपको अगर सफल होना है तो आपकी कार्य और रणनीति बहुत जरूरी बनाना। अगर आप अपनी कार्य की नीति या रणनीति नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है। वही कहावत आ जाएगी कि आपको मुंबई जानी थी और आप रायपुर स्टेशन पे खड़े हुए, आपने ना टिकट कटाई और कितनी ट्रेन आई और चली गई, मगर आपको पता ही नहीं है कि आपको मुंबई तो जाना है, बस सत्य कौन सी ट्रेन पे जाना है, वो ट्रेन कितने बजे आएगी, वो ट्रेन पे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, टिकट कैसे बुक करानी है, सारी नॉलेज नहीं होगी तो रेलवे स्टेशन पे जाके खड़े होने पे ही आप मुंबई नहीं जा सकते। वेस्टिज में भी अगर आपको जाना कहाँ है, इसकी कार्य नीति अगर रणनीति अगर आप नहीं बनाएंगे, मुझे अपनी टीम को कहां तक लेके जानी है, दोस्त यहाँ पे जीत संभव नहीं है, ओके? आपको यहाँ पे बहुत आगे की सोचना है, अपनी रणनीति तैयार करनी है, कार्य नीति तैयार करनी है, तब जाके आप क्या हो सकते हैं, एक आगे जा सकते हैं, एक सफल लीडर बन सकते हैं। ये पांच ही स्तंभ जिसके माध्यम से बड़े जो लीडर हैं ये आगे पहुंचे हैं और अपने आप को बेहतर कर पाए। अगर कार्य नीति रणनीति के बारे में बात करूं तो लक्ष्य प्राप्ति की योजना का निर्माण करता है। लक्ष्य, आपके जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। मैंने बोला है यहाँ पे कि पांच ही स्तंभ हैं,
पांच ही पिलर हैं, ये पांच ही कोण हैं, एक भी कोण आपसे छूटा, एक भी कोण का ज्ञान अगर आपको नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो दोस्त अगर हमें सफल होना है तो कार्य नीति रणनीति बहुत ही जरूरी है करना, उसमें होता है गोल। तो गोल सेट करिए, छोटा छोटा तो करिए मगर आपका गोल सेट होना चाहिए, क्राउन का, यूसीडी का, ये गोल सेट होना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि मैं जाऊंगा कहां, अब मुझे जाना क्यों है। शुरू से गोल सेट करिए। बहुत सारे लोग होते हैं जब उनके पास बैठते हैं गोल सेट करते हैं तो गोल सेट उनका एक लॉन्ग टर्म का उनका गोल सेट बहुत कम होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे 15,000 रुपए पाना है। जैसे आप अपने गोल को सेट कर रहे हैं माइंड भी सेट होता है उन चीजों को दिलाने के लिए और आपको वहां पे डायरेक्टर गोल्ड स्टार लेके चला जाता है। मगर अगर उसको कार्य पे रणनीति के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा पूरी प्लानिंग बनना चाहिए क्राउन। अगर आप क्राउन की प्लानिंग करेंगे तो आपके माइंड में एक ही चीज होगा कि मुझे 6 लाइन से डायरेक्टरशिप लेके जानी है। ओके, तब जाके होगा। अगर बात करूं यहाँ पे कमिटमेंट, माई कमिटमेंट, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे कमिटमेंट नहीं रखेंगे कि मैं टाइम वेस्टेज को कितना दूंगा, शुरुआत जब मैंने किया था, विश्वास करेंगे, जब मैं इंश्योरेंस सेक्टर में एक एम्प्लॉय था तो जब मैं घर से जाया करता था, ऑफिस जाता था, ऑफिस जाके थम लगाता था, थम लगा के जब मैं अपने काम पे लगता था तो मैं अपने आप में कमिट किया था कि मुझे कम से कम वापसी पे एक व्यक्ति से मिलके आना है और जो भी ट्रेनिंग मीटिंग होगा वो अटेंड मैं जरूर करूंगा, ये हमेशा रहता था मेरा। ओके, तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, उस कार्य नीति तक पहुंच पाएंगे, उस कार्य को बेहतर कर पाएंगे, तभी जाके हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कमिटमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी कमिटमेंट करवाइए। ओके, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें रणनीति अगर हमारी बन रही है तो ये ख्वाब जो हर कोई सोचता है, ये सम्मान हर कोई पाना चाहता है, तो ये हमारा गोल सेट होना चाहिए क्राउन। अगर दोस्त धोखे से भी वेस्टेज हम ज्वाइन किए हैं तो गोल सेट करिए क्राउन का। क्राउन जाना है क्या, सम्मान, एक एक्रो जैसा मान सम्मान होता है यहाँ पे, विश्वास नहीं करेंगे आप। यहाँ पे अगर आप अपने आप को यहाँ पे जब लेके जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पे पहुंचने के बाद जैसा क्राउन नाम है सेम ऐसी यहाँ पे हमें मान सम्मान मिलता है। ठीक है, अगर वेस्टिज में अगर आपने ज्वाइन किया है, अगर आप यहाँ पे 5% में शुरुआत कर रहे हैं तो आपका एक ही गोल होना चाहिए क्राउन। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, समझिए। अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको फतह अपना करना, एक अलग से अपनी पहचान बनानी है तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सातों इनकम आपके नजदीक आ जाती है, सारे सपने पूरे होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आप अपना करिए इनकम का, इनकम, माय इनकम, मेरी इनकम क्या होगी, 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, लिखिए, सोचिए, उस पे उसकी रणनीति तैयार करिए, कार्यनीति तैयार करिए। अगर मैं बात करूं, अगर राजा महाराजाओं की मैं बात करूं तो वे पूरी तैयारी में रहते थे कि अगर मुझे इस शहर को जीतना है, इस देश को जीतना है तो मेरे पास इतने सैनिक है, अगर ये सैनिक मारे गए तो फिर से नए सैनिकों की तैयारी होती रहती है। दोस्त हम गलती कर जाते हैं, हमारे पास कुछ सैनिक होते हैं, ऐसे सैनिक होते हैं जो उनको सही नॉलेज नहीं होता, सही जानकारी नहीं होती और युद्ध पे आ जाते हैं, मैदान पे आ जाते हैं और वो हार जाते हैं। ओके, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें अपने सैनिक अच्छे तैयार करने पड़ेंगे, बेहतरीन तैयार करने पड़ेंगे, हमारे बार बार सैनिक बनते जाने चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ के यूसीडी हो या क्राउन हो, तो 7 काम हमेशा करते हैं और यही 7 काम आप भी करिए। ओके, अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, आपके ड्रीम पक्के होनी चाहिए। ड्रीम अगर आपने लिख दिया वो ड्रीम, तो उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपको जो करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। 100% मुझे वहां तक जाना है दोस्त, यही मैंने किया, जो मैंने कह दिया, जो मैंने कर लिया वो मुझे होना है, जैसा भी होगा मैं करूंगा। ओके,
और ये ड्रीम ऐसा नहीं कि सोते हुए देखना, जागते हुए इस ड्रीम को पूरा करना है। पैसे का हो, गाड़ी का हो, अच्छी लाइफ स्टाइल का हो, कोई जरूरी कि हर किसी को पैसे की आवश्यकता है, हर किसी को गाड़ी की आवश्यकता है, किसी को घूमने का हो, ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे ड्रीम होते हैं, उन ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें करनी होगी। ठीक है, ये तो हमारे पास में होना चाहिए भाई, हमारा लेवल क्या होना चाहिए, हमारी इनकम क्या होनी चाहिए, हमारी कितनी लाइन से एलओबी आएगी, एलओबी की तैयारी क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इनकम है दोस्त वेस्टेज में वो है एलओबी। ओके, और डेट फिक्स होनी चाहिए आपकी, डेट अगर आपकी फिक्स है कितनी लाइन से एलओबी लेनी है, मेरा इनकम इतने तारीख तक ये होगा, मैं इतने तारीख तक ये परचेज करूंगा, तो उसकी बेहतरीन रणनीति आप बनाओगे और रणनीति में सफल होगे। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप यहाँ पे चाहे होंडा की गाड़ी लेना है, जगुआर लेना है, या फिर आपको क्या कहते हैं बीएमडब्ल्यू लेनी है, जो भी गाड़ी लेनी है लिखो इसको, अगर आप लिखेंगे नहीं तो होगा नहीं, ये बहुत जरूरी होता है करना। ठीक है, ये चीजें आप करते जाएंगे होता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज है जो काम हमें बहुत जरूरी होता है करना, यही यही रणनीति में हमें होता कमिटमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम बात करें तो यूज भी करना है, और हमें शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस प्लान, यूज शेयर द प्रोडक्ट और शेयर द बिजनेस प्लान। अगर इन प्रोडक्टों को अगर हम बेहतर ढंग से यूज नहीं करेंगे, उन प्रोडक्टों के बारे में हम समझ नहीं पाएंगे और बेहतर उसको हम शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर वेस्टिज की जो मार्केटिंग प्लान है, अगर उसको हमने नहीं समझ पाया, तो बेहतर ढंग से हम वेस्टिज के मार्केटिंग प्लान को भी शेयर नहीं कर सकते। और दूसरी होती है नॉलेज, मतलब जानकारी। ओके, जानकारी बहुत जरूरी है, जानकारी रखना। ठीक है, लिस्ट मतलब सूची बनाना, इसके साथ साथ टूल्स मतलब आपके पास में औजार होने चाहिए। अगर आपने वेस्टिज को ज्वाइन कर लिया है तो आपके पास में कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं। ओके, ये सारे टूल्स आपके पास में होना बहुत जरूरी है दोस्त। आपके पास में टूल्स में अगर हम बात करें तो लीडिंग लेडी बुक, आप देखिए कि आपका अपलाइन उसमें कौन है, हमारी टीम रिमाल्टी से कौन है, आप देखिए कारबुक, हमारी टीम रिमाल्टी से ऐसे कितने लोग अचीवर्स हैं। अगर मैं बात करूं हमारे टीम रिमाल्टी से, तो बीएमडब्ल्यू जो हमारे पास में मिस्टर सुशांता मोहंती के पास में, दिखाइए लोगों को। ठीक है, तो ये सारे टूल्स जब तक नहीं होगा आपके पास में तो आप बता नहीं पाएंगे। मैगजीन बहुत काम करता है, क्योंकि मैगजीन में सारे लोगों को आप मिल जाएंगे, आपके भी वहां पे अगर डायरेक्टर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो आपकी भी वहां पे लिस्ट मिलेगा। तो आपके पास में हर तीन महीने में अगर हमारे पास में वाइस मैगजीन जो कंपनी निकालती है, वाइस मैगजीन आपके पास में तो होना ही चाहिए, और आपके पास में कुछ प्रोडक्ट और आपके यूनिफॉर्म, ये आपकी औजार हैं, हथियार हैं। अगर यहाँ पे आप बिना पैसे लगाए लाखों रुपए कमाना चाहते हो दोस्त, तो ये औजार के ऊपर खर्च करो, यही औजार हैं, यही टूल्स हैं जिसपे आप बहुत बड़ा बिजनेस को कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बहुत जरूरी लेना और देना दोनों, लिए और दिए, जो जानकारी मिली उसको ट्रांसफर करिए, अपने पास ना रखिए, क्योंकि आप अपने डाउनलाइन को जितना ज्यादा प्रशिक्षण देंगे, नॉलेज लेके नीचे जितना ज्यादा देंगे, आपसे ज्यादा देंगे, उतना उस लाइन से आप फ्री होते जाएंगे। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ट्रेनिंग की अगर बात करता हूं मैं बहुत कोशिश करता हूं अपनी टीम में, जहां भी मैंने सीएनटी किया, कोई और भी काम मैंने किए हैं वहां पे, तो अपने खत्म हो गया क्या? आउट? ओके, नहीं मैं हूं। ओके, चलिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे डाउनलाइन से मेरे डाउनलाइन वहां पे खड़ा हो, या फिर वो कंपनी की प्रोफाइल बताए, या फिर वो प्रोडक्ट नॉलेज दे, या फिर वहां पे बिजनेस प्लान शो करे, या फिर सिर्फ मुझे आमंत्रित करके स्विच ऑफ कराए। मैं कोशिश करता हूं नए व्यक्ति को खड़ा करने के लिए, एक काम तो मैं जरूर कराऊंगा। अगर मुझे लगता है कि उस हाल में तीन चार लोग हैं, तो मैं किसी को वहां पे आमंत्रित करता हूँ, किसी को मोबाइल स्विच ऑफ कराने के लिए, अभिवादन करने के लिए, ओके, और कुछ को कंपनी की प्रोफाइल बताने के लिए। इससे मुझे पता चलता है कि मैं जिसके साथ काम करना चाह रहा हूँ सचमुच वो आगे और निखर सकता है, नहीं निखर सकता, उसको और कैसे निखारा जा सकता है। तो ऐसे करके मेरी टीम में, ऐसे मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सीएनटी करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं, सारा चीज करते हैं। कारण यह है कि मैंने उनको सिखाया है,
प्रशिक्षण लेना है और देना है, लेके रखना नहीं है। अगर आपको सफल होना है दोस्त, तो लीजिए और तुरंत ट्रांसफर करिए, तुरंत दीजिए उनको, ओके। ये अगर आप कर लेते हैं तो बेहतर आपके लिए, बहुत अच्छा होगा। और योग्यता, योग्यता बढ़ाते जाइए, स्किल बढ़ाते जाइए, अलग अलग स्किल देखिए, कौन सी स्किल में कमी है, उस स्किल को बढ़ाने में कोशिश करिए। संकोच मत करिए, आप अपने अपलाइन से आप पूछिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो स्कूल को आगे करते चले जाइए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर आयोजन कैसे मीटिंग ट्रेनिंग लेते हैं वो करना होगा आपको, ठीक है। भागीदारी, पार्टिसिपेट बहुत जरूरी है, भागीदारी उस पर लेना, ठीक है। ये सारी चीज अगर आप करते हैं दोस्त, आज मैंने आपको जो जानकारी दिया यहाँ पे, जो आपको नॉलेज हुआ होगा, जिसपे मैंने कोशिश की है कि सक्सेस के लिए पांच ही पिलर है, पांच ही कोण है, पांच ही ऐसी दिशा है जहां पे अलग अलग चीजें हैं, उन चीजों को और आगे बढ़ाना होगा, तभी जाके हम यहाँ पे एक सफल हो पाएंगे, बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे,